सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ देवास की बड़ी ही फेमस जगह पर हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कहाँ पर हूँ, कैसे क्या हूँ। तो देखिए, एक घटना जो कि आज मेरे साथ घटी, शायद वो आपके साथ भी घटित होगी या हो सकती है। देखिए, जैसे ही मेरे कॉलेज की छुट्टी हुई, वैसे कॉलेज की छुट्टी 4 बजे तक होती है, 3 बजे तक होती है, या कभी कभी तो 2 बजे हो जाती है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:51, बात है 2:30 की। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, मैं इस कॉलेज से बाहर निकला और रास्ते के किनारे पर बैठे थे एक अंकल जी, उनके पास थी बाइक होंडा, तो वो बैठे हुए थे। मैं चाहता तो मैं निकल जाता वहाँ से, लेकिन उनको मैंने देखा, मुझे लगा कि इनको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो मैं रुका और उनसे पूछा, अंकल जी कुछ दिक्कत है क्या आपको? पहली बार पूछा फिर भी जवाब नहीं दिया, दूसरी बार पूछा फिर भी जवाब नहीं दिया, तीसरी बार पूछा फिर भी जवाब नहीं दिया, फिर थोड़ा रुका, फिर चौथी बार पूछा फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। इतनी देर, मतलब इतना पूछा फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर चौथी बार उन्होंने हाथ हिलाए और उनका सिर ऊँचा किया। तो मैंने उनसे फिर पूछा पाँचवीं बार कि अंकल जी आपको कुछ दिक्कत है क्या? तो उन्होंने बोला कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, बोला मैंने पी रखी दारू। तो मैं चाहता तो उनको छोड़ के चला जाता, क्योंकि पता है कि दारू जो पी लेते हैं उनका ऐसे ही हाल होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, उनकी मदद करने की सोची। क्योंकि मेरा जो ज़मीर अंदर से आवाज़ आती थी कि भाई भले उनका काम है दारू पीने का, लेकिन तेरा काम है बचाने का। तो उनने बोला कि, मैंने पूछा उनसे कि अंकल जी पानी लाऊं आपके लिए? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं पास के ही एक होटल से गया, रास्ता पार करके, वाहन भी बहुत चलते, तो उसे पार किया, लोटी लाया बड़ी वाली, पानी उन्होंने ज़्यादा नहीं पिया, थोड़ा सा पिया, और मैंने फिर वापस वो लोटी भी रख के आया। और हमेशा याद रखे कि काम हो जाए उसके बाद सामान को वापस दे देना चाहिए। तो काम हो गया, मैं वापस सामान को दे के आया। फिर उन्होंने जेब से पैसे निकाले, मैं सोचा क्या ये मेरे को दे रहे हैं क्या इनाम के तौर पे? पर उन्होंने बोला पेट्रोल डलवा के ला। तो मैं उनकी बाइक लेके गया धक्का धक्का के, वैसे पेट्रोल पंप बहुत ही नज़दीक था, तो धक्का के लेके गया, पेट्रोल डलवा के आया, डलवा के लाया उनके ही पैसों से, 60 रुपये का उनका पेट्रोल डलवाया। फिर उनके पास लेके गया बाइक, साइकिल में वहीं उनके पास ही छोड़ गया। फिर उनके पहचान के एक अंकल जी मिल गए, वो बोल रहे थे कि तू साइकिल किनारे पर रख दे और इनको बाइक लेके छोड़ के आ इनके घर। मैंने बोला साइकिल कोई ले जाएगा? मैं माना तो नहीं, फिर लास्ट में माना। तो अंकल जी ने बोला, ऐसे हाथ रखा सिर पे, ऐसे जिसने दारू पी थी, जिनकी मदद की थी, ऐसे हाथ रखा, यहाँ तक कि चुम्मा भी दिया सिर में, भाई तुम बेटा तूने बहुत मदद की। मैंने माना, अंकल जी कुछ नहीं, ऐसी बात, बहुत सुकून मिला, मज़ा आ गया। तो फिर मैं मान गया, उनने बोला नहीं नहीं मैं ले जाऊँगा। तो वो आराम से उनकी बाइक लेके गए। और अब मैं बताता हूँ मैं कौन सी फेमस जगह पे हूँ। सो तो गाइस, मैं हूँ मीठा तालाब पे। ये जो तालाब है ये बड़ा फेमस है, इसका नाम रखा है मीठा तालाब। वैसे इसका पानी मीठा नहीं है, नाम है मीठा तालाब। जैसे तेल होता है ना, वो सोयाबीन का तेल, उसे मीठा तेल कहते हैं, लेकिन मीठा नहीं होता, वैसे ये पानी मीठा नहीं है इसका। सो तो मैं बैठा हूँ अभी मीठे तालाब के, कुछ बहुत घूमने के लिए जगह बनाई गई है, चलिए तो आपको दिखाता हूँ नज़ारा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it. ये जो हाथी है नहीं, इसकी सूंड में पैसे रखो तो वो ऊपर लगा के जो मालिक रहते हैं उनके हाथ में दे देते। मतलब कुछ किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ कटिन बनवाने, मैं नहीं जैन की कटिन, तो यही चला रहा है साइकिल, ये देख लो। और मेरे साथ है जैन, करा था एक्सीडेंट। आई गाइस, देखो यहाँ रोड बन रहा है और ये हमारा भैया साइकिल चला रहे हैं मेन रोड पर। अरे भैया मोड़ो यहाँ से, ये पता
किधर ले जाते हैं हमको। देखो ये बस स्टॉप है छोटा सा। अरे मैं गलत लिया, नहीं चलाओ चलाओ। देखो ये गलत लिया है हमको। हाँ वो मैं गलत ले आया, ये टेढ़ी मेढ़ी चला रहे। कटिंग के हम दो तीन सैलून पे गए तो वहाँ पर 40-40 कम ही नहीं करते, इसलिए हम जा रहे हैं अब उसमें खुदा के जहाँ पर 30 रुपये लेते हैं ना गाइस वहाँ पर जाने वाले हैं। ये इनकी पहचान की दुकान है, मतलब 10 रुपये कम कराने के लिए हम इधर उधर घूम रहे हैं मस्त तरीके से, घूम भी रहे और बचा भी रहे। हमारे जैन जी आ चुके हैं, इनको पकड़ना है। ये बैठ गया, ये जैन की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट मस्त तरीके से। पूरी की पूरी वो याद है, पूरी की पूरी। पहले कचरा फैला दिया इस पे और अब कचरे रख दिया है, बुआ जी इलाज ही कर देगी। हाँ वाह वेरी गुड, देखो ऐसा होना चाहिए। ये झाड़ू तो देखो कहाँ लगाई हो, जल्दी आओ बुआ जी। ये तो खतरनाक काम करी है, देख लो ये। सो तो गाइस मैं बैठा हूँ डैम्पर में और अभी शाम के बज चुके, रात मतलब 9:50 हो चुके, 10 बजने में केवल 10 मिनट की देर है और मैं भैया जी को खाना देने आया हूँ तो खाना दे दिया, आप चलते घर स्कूटी से भाव भाव। और सोनू भैया यहीं पे सोने वाले, मैंने आपको बताया था केवल कितना चौड़ा है, 2 फीट चौड़ा है, 4 फीट लंबा, ऐसे ही सोएंगे वो भी रात भर, एक ही करवट भी नहीं बदलती। ये इधर